Good morning, students. How are you? Are you fine? Okay. Today, we are going to learn maths, second book, hmm? number two book, uh, page number 48. Hmm. In this page, inside and outside, we will learn inside. I N S I D E, inside. इन साइड मीन्स अंदर ये बुक में देखो बुक के अंदर है वो बॉक्स के अंदर है बुक बुक कहाँ पर है बॉक्स के अंदर इसको बोलते हैं इन साइड द बुक इज इन साइड द बॉक्स अंडरस्टैंड बुक कहाँ पर है बॉक्स के अंदर द बुक इज इन साइड द बॉक्स एंड नेक्स्ट द बुक इज आउटसाइड द बॉक्स अभी देखो बुक पर है बॉक्स के बाहर आ गया बो, बुक का, बाहर। बाहर means outside. क्लास में भी टीचर बोलते है गो आउटसाइड ऐसे बोलते हैं क्लास में से बाहर जाने के लिए और कम इनसाइड बोलते हैं क्लास में मैं आई कम इन में ऐसे पूछते समय समय क्या बोलते हैं कम इन साइड मतलब अंदर आ जाना और गो आउटसाइड मीन्स बाहर जाना इन साइड मीन्स अंदर आउटसाइड साइड मीन्स बाहर समझ में आया नेक्स्ट पिक्चर देखो द डॉग इज इन साइड द कैनल डोग कहाँ पर है डोग का घर के अंदर डोग का घर को क्या बोलते हैं नल के ई डबल एन ई एल कैन्नल डोग अपना घर के अंदर अभी देखो नेक्स्ट पिक्चर में डोग कहाँ मरे अपना घर से बाहर आ गया डोग कहाँ बैठते है अभी घर के बाहर बैठते हैं द डोग इज आउट साइड द केन्नल नेक्स्ट पिक्चर द कैट इज इन साइड द बो बास्केट बिल्ली कहाँ बैठते हैं? बास्केट के अंदर बैठते हैं अंदर बैठने के लिए इनसाइड बोलते हैं द कैट नेक्स्ट पिक्चर में द कैट इज आउटसाइड द बास्केट अभी कैट है बास्केट के बाहर है कहाँ बैठते हैं कैट बास्केट के बाहर समझ में आया इनसाइड अंदर आउटसाइड बाहर ये वर्ड आई एन एस आई डी इन साइड लिखना लिख लेना फिर इसके बीच में ऐसे ऑपोजिट का निशान लगाना फिर ओ यू टी आउट एस आई डी ए साइड आउट साइड ऐसे लिखे स्पेलिंग याद करना इन साइड आउट साइड ऑपोजिट समझ में आया ऑपोजिट मीनस बिलोंग अब्द अंदर का ऑपोजिट है बाहर यह है इन का ऑपोजिट है आउटसाइड समझ में आया ओके नाउ वी आर गोइंग लैंड नेक्स्ट पेज अप एंड डाउन पेज नंबर फिफ्टी वन पेज नंबर फिफ्टी वन में अप एंड डाउन यूपी अप अपीन्स ऊपर द बॉल इज अप ये स्टेप्स के ऊपर रहते हैं बॉल ओके द बॉल इज डाउन डी ओ डब्ल्यू एन डाउन अप मीन्स ऊपर डाउन मींस नीचे ये स्टेप के नीचे हो गया बॉल इधर डाउन हो गया यहाँ पे अप हो गया समझ में आया और नेक्स्ट द आर ओ इज पॉइंटिंग द अप ये वाला आर ओ देखा है ये वाला आर ओ ये ऊपर की तरह रहता है और द आर ओ इज पॉइंटिंग डाउन ये वाला आर ओ नीचे की तरह दिखा रखा है द काइट इज अप देखो बच्चा पतंग उठा रहे अभी काइट कहाँ मरे अप आसमान में ऊपर है द काइट इज डाउन अभी देखो काइट कहा का नीचे हो गया अप एंड डाउन समझ में आया अप डाउन ये भी अपना कॉपी में लिख लेना अप लिख लेना और यू पे अप लिखना इसके ऑपोजिट का क्रॉस निशान लगाना फिर डी ओ डब्ल्यू एन डाउन लिख लेना फिर अपना कॉपी में ऐसे कैसे लिखो फिर लर्न करो अप एंड डाउन ओके इनसाइड आउटसाइड लिखना अप एंड डाउन लिखना दो ऑपोजिट हम इसी बुक में लर्न करेंगे ओके नेक्स्ट ऑलरेडी वी लर्न ऑल द कलर्स नेम डिड यू लर्न अगर आप भूल गया तो वापस फर्स्ट नंबर बुक को रीडिंग करना कलर्स नेम रिपीट करते रहो भूलना नहीं चाहिए आ, और अभी इसमें हम आ, और एक कलर के नाम बारे में सीखेंगे हाय आई एम पिंक ये कौन सा कलर है हाँ मैं पिंक हूँ यू कैन मेक मी बाय मिक्सिंग रेड एंड वाइट कैसे हम पिंक को हम बनाएंगे पिंक बनाने के लिए हमको रेडी रेड रेड कलर निकालना है रेड कलर के साथ और कौन सा कलर जोड़ना वाइट रेड एंड वाइट मेक ए पिंक हमको रेड एंड वाइट मिक्स करके पिंक मिलेगा जब स्कूल खोलेंगे तब क्लास में हम इसको मिक्स करके देखेंगे ओके अगर अपने घर पे पोस्टर कलर है तो रेड एंड पिंक वाइट मिक्स करके देखो मज़ा हो जाएगा पिंक मिल जाएगा अभी इसमें पिंग में अलग अलग शेड होता है लाइट पिंक भी मिलते हैं और डार्क पिंक भी मिलते हैं लाइट पिंग के लिए रेड एक बार डालना दो बार वाइट डालना तब कौन सा मिलेगा लाइट पिंक और दो बार रेड डालना और एक बार वाइट डालना उसमें हमको डार्क पिंक मिलेगा समझ में आया रेड एंड वाइट मिक्स करके पिंक मिलेगा और उसमें डार्क पिंक के लिए रेड दो बार डालना और वाइट एक बार डालना तब डार्क पिंक मिल जाएगा और रेड uh, एक बार डाल के वाइट दो बार डालेगा तो कौन सा कलर मिलेगा लाइट पिंक मिलेगा ओके okay? समझ में आया ओके okay. ये भी लिखना रेड प्लस वाइट रेड प्लस वाइट इज इक्वल पिंक ये अपना कॉपी में लिख के करना ओके थैंक यू नेक्स्ट अपना पिंक कलर में क्या क्या मिल जाता है ये हम देखना चाहिए फ्लामिंगो ये बर्ड है एफ एल एम आई एन जी ओ फ्लामिंगो फ्लैम एफ एल एम आई एन जी ओ फ्लैमिंगो और पिंग डॉल्फिन भी है और पोमग्रानेट भी है अनार का फ्रूट होता है उसके अंदर भी पिंग कलर देखते हैं और हिबिस्कस ये गुड़ेल का फ्लावर है वो भी पिंक कलर में मिलते हैं और पिंक जेम और हीरा होता है पिंक कलर का वो और पिंक कलर का रोस भी मिल जाते हैं समझ में आया फ्लैमिंगो पिंक डोल्फिन हम हिबिस्कस पिंक जम रोस ये सारे पिंक कलर में मिलते हैं और एक बटरफ्लाई का पिक्चर दे रखा है उसमें क्या कलर भरना है पिंक भरना है ये आप पिंक कलर भर के रखना अपना बुक में ओके और नेक्स्ट एक शेप है हम पहले कई शेप सीख गया ट्रायंगल रेक्टेंगल स्क्वायर सर्कल ऐसे कई शेप हम सीखा था अभी दूसरा एक शेप हम इधर सीखेंगे पेंडगोन पिंडू द पेंडगोन इज माय नेम इसका नाम क्या है इसका नाम क्या है पिंडू द पेंडगोन पेंडगोन को पांच साइड होता है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव साइड हो गया वन टू थ्री फोर फाइव फाइव साइड हो गया ये फाइव साइड वाला शेप को बोलते हैं पेंडागौन हम अपना बुक में ये पेंडागोन का शेप बना लेना और उसको पिंक कलर करना ठीक है कैसे बनाएंगे पेंडागोन ऐसे एक लाइन खींचना फिर दूसरा लाइन खींचना फिर तीसरा लाइन खींचना फिर ऐसे खींचना ऐसे खींचना आगे आ गया पेंडागोन ऐसे बना लेना पेंडागौन ओके और पेंडागोन शेप में क्या क्या मिलेगा लोकट जो लोकट होता है माला में हम डालते हैं लोकट ये पेंडागोन का शेप में है और बिंडी को काट लो तब भी इसका ध्यान से देख लो इसका फाइव साइड होता है पेंडागोन इसको ओकरा ओकरा भी बोलते हैं इसको और नेक्स्ट ये कैनल हमने बनाया था कितना साइड का है? है ये भी ऐसे फाइव साइड का था हैं और साइन बोर्ड साइन बोर्ड जो रोड के साइड में ऐसे स्कूल के साइड में ऐसे साइन बोर्ड देखता है मिल जाता है उसमें भी फाइव साइड होता है ये सारे फाइव साइड में मिलता है ये सारे शेप पेंडागोन है इसलिए हम ये पेंडगौन अपना बुक में एक कॉलम है वो कॉलम को हम ऐसे पेंडगौन बनाना ठीक है ऐसे बना लेना पाँच साइड हो जाता है समझ में आया ऐसे आप भी बना लेना और स्पेलिंग याद करना ओके थैंक यू